हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक मामला सामने आता है, फरीदाबाद का मामला बेहद गंभीर है, जिसमें सोचिए दो बच्चों का एक ही पेड़ और एक ही रस्सी पर लटकी हुई लाश मिलती है। सोचिए यहाँ पर परिवारजन, मैं आपको दिखा दूँ, हर जगह परिवारजन मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंची, एक बार जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या था मामला। ये है परिवार के मेंबर, शायद एक बार जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। सर, आप लोग फैमिली से हैं? मैडम छोड़ दीजिए, बाद में कर लेंगे। बस थोड़ी सी जानकारी, कब बच्चा गया था, कैसे क्या हुआ था? जानकारी इधर आप उनको दे देंगे, ये दे देंगे आपको। मैं तो क्या हुआ था सर, थोड़ी सी जानकारी। बच्चे का नाम क्या था? पता नहीं, अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप लोग अपने सिचुएशन को समझो। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा का नाम क्या था ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ये देख सकते हैं परिवार काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में है, लेकिन ये देख सकते हैं चारों तरफ परिवार के मेंबर। और मैं आपको अगर नाम बता दूँ तो एक बच्चे का नाम युवराज है और दूसरे बच्चे का नाम यश नाम बताया जा रहा है। और दोनों की उम्र जो है वो 16 साल उम्र बताई जा रही है। ये देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंचे, पर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम को बच्चा जो है, युवराज जो है, वो घर से निकलता है मम्मी को ये बोल कर कि मैं अपने दोस्त के घर पर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्त के घर पर वो नहीं पहुँचता और दूसरे बच्चे के फ़ोन घर पर, जब जिसका नाम बता के वो जाता है, जब उसका फ़ोन उसके घर पर किया जाता है तो उस बच्चे का भी पता चलता है कि वही बच्चा घर पर नहीं है। जब दोनों बच्चे को जो पेरेंट्स होते हैं वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि हाँ क्या हुआ, बच्चे घर में नहीं पहुंचे, तो जब वो जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे नहीं हैं, दोनों के बच्चे घर पर नहीं पहुंचे। ना उसके युवराज के घर पर यश पहुंचा, ना यश के घर पर युवराज पहुंचता है। जब खोज भी शुरू होती है, और मैं आपको बता दूँ सूरजकुंड थाना क्षेत्र पड़ता है, जब सूरजकुंड थाना क्षेत्र में लोग खोजने लग जाते हैं बच्चों को, पुलिस और परिवार जब खोजने लग जाता है तो बाद में ये पता चलता है सूरजकुंड में पहुँचते हैं और एक सिद्धार्थ आश्रम करके है, वहाँ पर वो लोग जब पहुँचते हैं तो क्योंकि लोकेशन सर्च की जाती है, लोकेशन ट्रेस करने के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखा जाता है मौके पर दो युवक, एक ही पेड़ के नीचे सोचे एक ही रस्से से दो युवकों की लटकी हुई लाश मिलती है। ये बेहद फरीदाबाद का गंभीर मामला सामने आया है और सूरजकुंड थाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ इस वक्त ये मामला है। दो बच्चों के मैं अगर नाम बता दूँ तो एक बच्चे का नाम युवराज है और दूसरे बच्चे का नाम यश बताया जा रहा है। दोनों की उम्र जो है वो 16 साल ही बताई जा रही है। लेकिन अचानक क्या हुआ जो दोनों युवकों की, दोनों बच्चों की लाश एक ही पेड़ के नीचे मिलती है? मर्डर है या फिर आत्महत्या, भी कोई जानकारी, क्योंकि परिवारजन जो है वो कुछ भी बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले ये खबर मिली है कि दो बच्चों की लाश मिलती है एक ही पेड़ के नीचे, और ये सूरजकुंड रोड पर मिलती है, जंगल के एरिया में, अंदर जाके जंगल का एरिया पड़ता है, जहाँ पर इन दोनों बच्चों की जो है वो डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। जैसे जैसे पुलिस प्रशासन को या फिर परिवारजन को खबर मिलती है, मौके पहुँचते तो देखते हैं बच्चों की लाश मिलती है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि क्या हुआ था, अचानक बच्चों ने ऐसा फैसला क्यों उठाया। ये देख सकते हैं सभी परिवार के मेंबर यहाँ पर मौके पे पहुँचे हुए हैं। एक बार हम आपको पुलिस प्रवक्ता हैं सुबे सिंह जी, उनसे भी एक बार हम एक्चुअली उनकी भी एक वीडियो आई है, उनका भी एक बार हम नोट आपको सुनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। पर देख सकते हैं ये परिवार के सभी मेंबर हैं जो मौके पर पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ ये जो दोनों बच्चे हैं वो सेक्टर ये देख सकते हैं परिवार के सभी मेंबर, लेकिन अभी बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं वो सेक्टर 84 में रहते थे और एक ही साथ स्कूल पढ़ते थे, स्कूल गोइंग थे दोनों बच्चे। और जब मैं आपको बता दूं, जब ये बच्चे नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर पहुँचते हो, ये कल शाम 4 बजे की ये घटना है, जिनके उनके दोनों के बच्चों के स्कूटी लेके ये बच्चे दोनों घर से बाहर निकलते हैं, कहकर निकलते हैं कि हाँ मैं यहाँ यश के घर पे जा रहा हूँ, लेकिन यश के घर पे नहीं पहुँचता। और यश के घर वाले कहते हैं कि वो बच्चा बता के जाता है कि युवराज के घर पर पहुँचा, लेकिन दोनों में से कोई बच्चा नहीं पहुँचता। रात के 9 बजे के करीबन जब परिजनों एक दूसरे के घर पर फ़ोन करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों युवकों के जो पेरेंट्स हैं वो खोजने लग जाते हैं, तो पता चलता है कि उनकी लटकी हुई लाश मिलती है। इसमें एक बार मैं आपको दिखा दूँ, सूबे सिंह की एक बाइट भी आई है जो हम आपको ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि इसमें पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह जी क्या कहते हैं, इसमें फोकस करो। सेक्टर 84 में रहने वाला एक बच्चा है और दूसरा बच्चा सेक्टर 31 का है।
दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन दोस्त हैं दोनों। ये घर से निकला था जो नहर पार जो रहते हैं सेक्रेटरीपुर में, लड़का नाबालिग लड़के हैं दोनों ही, करीब 16 साल की उम्र है इनकी। और अपने घर से स्कूटी लेके निकला था करीब परिजनों के मुताबिक 4:15 बजे, और ये फिर अपने दोस्त के पास गया था। उसके बाद ही करीब 9:15 बजे तक घर नहीं आए, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी फोन से कि हमारा बेटा घर नहीं आया। और उसके बाद फिर पुलिस ने अपने जो भी साधन से उसको सर्च आउट किया अपने मुखबर से रूम से, तो पता लगा कि सिद्धार्थ आश्रम के आसपास कहीं है। और उनको परिजनों को सूचित किया, परिजनों के साथ SHO BPTP यहाँ सिद्धार्थ आश्रम के यहाँ पे आए, बच्चों को सर्च किया गया, तलाश किया गया, और मौके पे फिर SHO सूरजकुंड और सेक्टर 40 की पुलिस और क्राइम ब्रांच भी बुलाई। ये देख सकते हैं, ये है पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह की ये बाइट थी जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि बच्चा घर से बाहर निकलता है, लेकिन ऐसा क्या कारण होता है कि उस बच्चे दोनों बच्चों की जो कि 16 साल उम्र बताई जा रहा है, एक बच्चे का नाम युवराज बताया जा रहा है, दूसरे बच्चे का नाम यश, आप लोग पेरेंट्स हैं उनके? नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर बच्चा है तो बता सकते हैं। आप किससे भी आप चलिए उधर चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं सर। ये देख सकते हैं, मतलब परिवार वाले दुख का समय है क्योंकि दो दो बच्चे, और मैं आपको बता दूँ एक घर के नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग घर के होते हैं, जो कि मैं पता चला कि एक ही फ्लोर में दोनों बच्चे रहते थे और एक ऊपर रहता है एक नीचे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं तो एक शायद सेक्टर 31 पहुंच जाता है और एक खेड़ी थाने पहुंच जाता है, मतलब खेड़ी थाना क्षेत्र पड़ता है वहां पर दोनों बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद जब वो दोनों एक साथ मिलने के लिए जाते, क्योंकि स्कूल वेयर दोनों बच्चे थे, स्कूल जाते थे और बताया जा रहा 11th क्लास में पढ़ते थे वो बच्चे, क्या अनपढ़ा क्या समस्या हुई कोई प्रॉब्लम अभी कुछ पेरेंट्स बताने के लिए राजी नहीं, लेकिन आज का ये मामला है। और ये सुबह बताया जाए जो हमें सूत्रों के हवाले ये खबर मिलती है कि 4:30 बजे करीबन बच्चों की जो है वो लाश मिलती है, लटकी हुई लाश मिलती है, लटकी हुई लाश मिलती है। और ये देख सकते हैं परिजन यहाँ पर है, हमने दो बार कोशिश की और हमने आपको सुबे सिंह की बाइट जो कि पुलिस प्रवक्ता उनकी भी एक बार बाइट सुनाने की हमने कोशिश की, तो ये देख सकते हो चारों तरफ जो है वो दोनों बच्चों के परिवार यहाँ पर मौके पे पहुँचे हुए हैं। और एक बार अगर यहाँ पर मौके पे जो है वो SHO साहब भी मौके पे पहुँचे हुए, लेकिन अगर वो मिल जाएंगे, आप लोग लड़के के परिवार वाले हैं, सॉरी लड़के के परिवार वाले यहाँ पर, क्योंकि बोलने के लिए कोई भी राजी नहीं। और यहाँ देख सकते हो चारों तरफ आपको सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक दिखे, क्योंकि जो समय है, क्योंकि ये देख सकते हैं अभी मैं आपको बता दूं क्योंकि बेहद ये दुख का समय है, एक ही परिवार के दो बच्चे नहीं थे, वो अलग अलग परिवार के दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं, और युवराज और यश नाम का जो कि एक ही साथ स्कूल पढ़ते थे और एक ही साथ एक ही फ्लोर में शायद रहते भी थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जब अलग हो जाते हैं तो वो जो पेरेंट्स को युवराज बता के जाता है कि वो यश के घर पे जा रहा है, या यश बता के जाता है कि वो युवराज के घर पे जा रहा है, लेकिन दोनों बच्चे घर पहुंचते ही नहीं है। और जब खोजबीन की जाती है, जब वो 9 बजे तक घर पर नहीं पहुंचते हैं, तो सोचे बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो पुलिस की खबर करते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है कि बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, तो वहीं पेरेंट्स और पुलिस प्रशासन दोनों मौके पर पहुँचते हैं और खोजबीन करने शुरू कर देती है। वहीं पर जब उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो सूरजकुंड के एक सिद्धार्थ आश्रम करके उसके पीछे जंगल का एरिया है, वहाँ पर उन दोनों युवकों की एक ही पेड़ में एक ही रस्से से की हुई लाश मिलती है। ना जाने क्या वजह हुई थी, क्योंकि उम्र भी जो है वो भी 16 साल बताई जा रही है, क्या वजह थी अभी पेरेंट्स कुछ नहीं बता रहे हो। 11th क्लास में दोनों बच्चे पढ़ते थे, युवराज और यश नाम के दोनों बच्चे थे। ये देख सकते हैं हमारे पास भी सूत्रों के हिसाब से खबर आई थी, हमने आपको पूरी डिटेल बता दी, लेकिन परिवारजन जो है वो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार हम आपको पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह के फिर से एक बार बाइट सुनाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बोला है और क्या थी पूरी जो डिटेल है। अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन दोस्त हैं। ये घर से निकला था जो नहर पार जो रहते हैं सेक्रेटरीपुर में, लड़का नाबालिग लड़के हैं दोनों ही, करीब 16 साल की उम्र है इनकी।
अपने घर से स्कूटी लेके निकला था करीब परिजनों के मुताबिक 4:15 बजे और ये फिर अपने दोस्त के पास गए। उसके बाद ही करीब 9:15 बजे तक घर नहीं आए, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी फोन से कि हमारा बेटा घर नहीं आया। और उसके बाद फिर पुलिस ने अपने जो भी उसको सर्च आउट किया अपने मुखबर से, पता लगा कि सिद्धार्थ आश्रम के आसपास उनको परिजनों को सूचित किया। परिजनों के साथ ऐसा जो बीपीटी थी यहाँ सिद्धार्थ आश्रम के यहाँ पे आए, बच्चों को सर्च किया गया, तलाश किया गया और मौके पे फिर SHO सेक्टर SHO सूरजकुंड और सेक्टर 46 की पुलिस और क्राइम ब्रांच भी बुलाई गई। अंदर जंगल में जाके उनकी एक पेड़ से लटकते हुए दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिली है, जो उन्होंने माता पिता भी दोनों बच्चों के साथ थे, उनको वहाँ से पेड़ से हटा के और उनको पीके हॉस्पिटल में रखा गया है, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल के पढ़ने वाले हैं, नाबालिग हैं। क्या लग रहा है? एक बार हम आपको क्योंकि थोड़ा सा ये शैडो का इशू आ रहा है, इधर देखो शरीर पे कोई चोट का निशान है, किसी भी तरह का निशान नहीं है, उनकी स्कूटी भी वही है, उनका जो वैल्यू जिस तरीके से 80 से बांधी डेड बॉडी बैठी हुई मिली है उससे क्या नहीं, वो उसमें प्लास्टिक की रस्सी है, वो लटक गई है रस्सी, और इसमें ये देख सकते हैं ये पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह की बाइट है और फुल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कैसे युवक बता के जाते हैं दो बच्चे और घर से निकलते हैं, कैसे खोजबीज कराते हैं, कैसे पुलिस प्रशासन और परिवार को पता चलता है कि यहाँ पर दोनों युवकों की जो है वो बॉडी मिली है। तो ये थी पूरी डिटेल और ये फरीदाबाद का गंभीर मामला है, इसमें पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता कि आखिरकार क्या हुआ था, क्यों बच्चों ने फांसी लगाई, ये हत्या थी या फिर आत्महत्या, भी कुछ नहीं पता है, तो इसमें खोजबीज या फिर पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता और जो सच है वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ये देख सकते हैं हमने पूरी डिटेल बताई, इसमें पुलिस प्रशासन को जो है वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो दो युवक जो कि युवराज और यश होते हैं, आज दोनों युवकों की एक जंगल में सूरजकुंड रोड पड़ती है वहाँ जंगल में एक दोनों युवकों की जो है एक ही पेड़ पर एक ही रस्सी से दोनों की लटकी हुई लाश मिलती है और दोनों का नाम युवराज और यश बताया जा रहा है, जिसकी उम्र जो है वो 16 साल बताई जा रही है। और इसमें जो है प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को परिवार को जो भी सच है, क्योंकि परिवार अभी बोलने के लिए राजी नहीं है, क्या था मामला, क्यों आखिर सुसाइड की हत्या थी फिर आत्महत्या, भी कोई जानकारी, लेकिन जो भी सच है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100, साथ ही पूजा के साथ मैं आचल मिश्रा सिटी न्यूज़ 100 के लिए।